हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस आज हमने जो गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था उसके बिहाफ पर कट ऑफ कितनी जाएगी नेट की और जेआरएफ की वो आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं मैंने इतना लेट इसलिए किया था कि जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स होंगे उतना एक जो ओवरव्यू है वो ज़्यादा बेटर आएगा तो चलिए देखते हैं देखिए ये हैं हमारे रिस्पॉन्सेस जो गूगल फॉर्म के थ्रू आए हैं अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको जो येलो कलर से हाईलाइट की हुई ये आ, लाइन है इसके अकॉर्डिंग यानी कि जितने भी 200 से प्लस हैं उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो येलो में आपको सिर्फ 4 4 रिस्पोंसेस मिलेंगे यानी कि 200 प्लस केवल 4 कैंडिडेट हैं जिनके रिस्पोंसेस आए हैं इनके जिनके मार्क्स हैं 200 प्लस में वहीं पर अगर हम देखें 190 प्लस तो 190 प्लस में अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90 प्लस जो मार्क्स लेके आ रहे हैं और वहीं पे अगर हम देखें 1 एटी यानी कि जो वन एटी लेकर के आ रहे हैं आप ये वाले कलर है लाइट पर्पल लाइट पर्पल आप देख सकते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे स्टूडेंट जो आपके वन एटी प्लस लेकर के आ रहे हैं ठीक है वो है आपके सिक्स टू सेवन वहीं पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे 170 से 180 के बीच में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हैं ज्यादा अगर हम कहें तो आप ये देख रहे होंगे बहुत लाइक ग्रीनिश है बहुत ही डल ग्रीनिश कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे 170, 170, 176, 172 और आपका जर्नल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पे 176 है और यहाँ पे 178 है 176 170 174 174 और फिर 172 176 178 तो अगर एक ओवर एन एवरेज अगर हम निकालें तो 70 से और आपका uh, 175 टू 180 का अगर हम एक एवरेज निकालें तो वो सफिशेंट नहीं हो पाएगा और वहीं पर अगर हम 180, 180 वन एटी टू वन एटी टू वन एटी फाइव तक का अगर हम एवरेज निकालें या फिर वन नाइन्टी तक का हम निकालें तो वो एक सेफ मार्क्स होंगे यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमारा रिस्पांस ये है एक एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है 37.9% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 55 फाइव तो टू सिक्सटी लेकर आए हुए हैं वहीं पर अगर 27.6% स्टूडेंट अगर हम देखें तो वो ऐसे हैं जो 60 टू 65 लेकर के आए हुए हैं वहीं पर 10% ऐसे हैं जो आपके 200 प्लस में जा रहे हैं यानी कि 65 टू 70 तक वो लेकर के आ रहे हैं वहीं पर हम देखें तो फोर्टी टू फिफ्टी और फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव बहुत ही कम स्टूडेंट है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैरिट हाई जाएगी और इतनी भी नहीं कह सकते कि मेरिट लो जाएगी तो फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी अगर हम कहें तो स्टूडेंट काफी दिखाई दे रहे हैं तो मे बी ये जो ये 55 तो 60 का एवरेज है ये नेट के लिए तो जर्नल के लिए मे बी सफिशेंट हो सकता है बट नॉट से अगर हम कहें जे आर एफ तो जे आर एफ के लिए हम अगर कहें तो सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव इज बेस्ट एनालाइज अकॉर्डिंग टू माई डेटा अब हम देखते हैं कि uh, कहाँ तक जा सकती है आपकी मैरिट देखिए जर्नल की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी मेरे पास ये डेटा है मैंने एक जो भी ओवरव्यू निकाला है तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 57 सेवन टू फिफ्टी जर्नल के लिए नेट की रहेगी वहीं जे की अगर बात करें जर्नल की तो 63 थ्री टू सिक्सटी तक जा सकती है आपकी इसके बीच में ही रहेगी ओबीसी की अगर बात करें तो 52 टू टू फिफ्टी आपकी मेरिट नेट के लिए लग सकती है वहीं पर जे की बात करें तो जे आर एफ ओ का सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री परसेंट जा सकता है वहीं अगर हम ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली विकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी फाइव इनकी जो है नेट के लिए मैरिट जा सकती है और जे आर एफ सिक्सटी टू सिक्स इनका भी क्योंकि आपने देखा होगा ओबीसी और ई का ज्यादा मतलब अंतर नहीं होता है कहीं कहीं इक्वली होता है तो ज्यादा ऐसे एवरेज नहीं लगा एक परसेंट एक या दो परसेंट का ही अंतर रहेगा इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यू में वहीं एससी की अगर हम बात करें तो 48 टू 50.67 परसेंट नेट जा सकता है और 56 टू 58 जेआरएफ वहीं एसटी की बात करें तो 46 टू 49 नेट के लिए और 54 टू 56 आपकी जेआरएफ के लिए um अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही फिट uh, आपकी कट ऑफ है uh, इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मेरिट इस बार जाएगी क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफी टफ था एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करें टेक केयर बाय बाय